राष्ट्र के निर्माण के लिए मोदी सरकार बनाए ढुल्लू मातो। भूली में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। भूली स्थित चंद्रकला विवाह भवन में भाजपा भूली मंडल का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा भूली मंडल के सभी 45 बूथ अध्यक्ष से परिचय प्राप्त कर मोदी की गारंटी को घर घर ले जाने और मोदी के 400 पार के नारा को पूरा करने के लिए और धनबाद लोकसभा जीतने को लेकर टिप्स दिया गया। धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो का भव्य स्वागत किया गया, अंग वस्त्र और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। हमारे भूली मंडल के अध्यक्ष जी से आग्रह हुआ कि आप आए और हमारे प्रत्याशी माला उतारना नहीं आपको गलत कि आप हमारे ओम प्रकाश झा जी, बबलू सिंह जी महामंत्री हमारे मंडल के और पप्पू शर्मा जी, सखीचंद माथो जी, आशा राय जी, जितेंद्र जी, लड्डू सिंह जी, सूची जाति मोर्चा। ढुल्लू महतो ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए मोदी की सरकार बनाइए। मोदी जी के गारंटी का प्रभाव ऐसा ही कि देश को आग दिखाने वाले पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ा है। मोदी जी की गारंटी से गरीबों पिछड़ों के साथ सभी वर्ग को फायदा मिला है। ढुल्लू महतो ने कहा कि धार्मिक रूप से कार्य करते हुए समाज के दलितों पिछड़ों गरीबों की सेवा करता रहा हूँ। आज अगर मुझ पर केस दर्ज है तो ये मेरे सेवा का भाव से घबराकर विरोधियों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत दर्ज है। अगर अपने कार्यकर्ताओं और सेवा के लिए मुझ पर मामला दर्ज होता है तो वो भी स्वीकार है। ढुल्लू महतो ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा अब की बार 400 पार का नारा दिया है, उसे पूरा करना आपके कंधों पर है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप पर वोट देकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री हमें बनाना, उसी चरण में हमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी धनबाद लोकसभा से बनाया गया है। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से सभी अपने बड़े भाइयों से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, छोटे भाइयों से सहयोग मांगने के लिए आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति और आप अपना भाई ढुल्लू महतो के प्रति निश्चित तौर पर आप लोगों का, बड़े भाई लोगों का आशीर्वाद, अभिभावकों का आशीर्वाद और छोटे भाई लोगों का सहयोग जोरदार तरीके से हमें प्राप्त होगा और इसी आशीर्वाद का परिणाम है कि आज पार्टी के द्वारा सर्वे करवाने के बाद आपका भाई ढुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा क्षेत्र से एक सेवक के रूप में आप सेवकों के बीच भेजने का काम किया है कि ताकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता का सुख सुख में हम खड़े रहे और सेवा करने का क्षमता आप लोगों का आशीर्वाद से प्रदान हो। मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ पार्टी और आप लोगों ने पार्टी को जो राय दिए, इस विश्वास के प्रति ईमानदारी और निष्ठापूर्वक सेवा समर्पित भाव से आपके बीच में खड़े रहेंगे। ये सच्चाई है। कुछ हमारे भाई हैं कि पहली बार हम बैठक में आए हैं, मगर मैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ सभी नेता लोग हैं और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु भी उस सामने बैठे हुए हैं। हमें नहीं लगता है कि भूली में जब किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में हमें बुलाया है, मैं यहां पे आके यहां के लोगों का सेवा करने का काम किया हूं। एक भी कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है, रात हो या दिन हो, जब किसी भी समय बुलाए हैं, मैं यहां पे आकर आप लोगों का सेवा करने का भाव और भावना से मैंने करने का किया।
अगले साल लगभग इसी मंथ चल रहा था अप्रैल में, यहां पे सेप्टिक टंकी में दो तीन लोगों का मौत हो गई थी। बीसीसीएल उस परिवार को सुन नहीं रहे थे, सारे गरीब लोग तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर बीसीसीएल सुनने वाला नहीं था। हमें सूचना मिला, मैं तुरंत यहां पे पहुंचा। इसका गवाह सब आप लोग हैं, जानते हैं। मैंने तुरंत कड़ी धूप में, कड़ी गर्मी में मैंने यहां पे पहुंचकर तुरंत सीएमडी से बात करके उन परिवार को न्याय दिलाने का काम आपका भाई ठुल्लू महतो ने किया। उसी प्रकार बीसीसीएल के द्वारा ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण बहुत लंबे समय तक बना नहीं रहते। भाई बिल्लू जी और उनके जितने सहयोगी थे हमारे पास पहुंचा और मैंने स्पष्ट शब्दों में बीसीसीएल का कि इतने दिनों के अंदर बन जाना चाहिए। मैं विधायक भले ही बाघमारा का हूं मगर सेवक पूरे धनबाद के लोगों के लिए अब सेवक बना हूं और किसी न किसी रूप में लगातार यहां के लोगों को दिन रात सेवा करने का मैं काम किया हूं। चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, व्यक्तिगत कार्यक्रम हो, चाहे बीसीसीएल का मामला हो, चाहे भूली बीसीसीएल का हॉस्पिटल का मामला हो, मैंने लगातार हर विषय हर वस्तु को लेकर भूली के एक एक जन समस्या को लेकर समाधान करने का मैं प्रयास किया हूं। जब जब मेरे पास पहुंचे हैं तब तब मैं गंभीरता पूर्वक उस बात को ध्यान में लेते हुए समस्या का निदान करने का भी मैं प्रयास किया हूं। हमें नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार बोल नहीं सकता। मैं जब से राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं मैं शुरू से ही प्रभु श्री राम के भक्त होने के नाते राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद एक सच्चा धर्मात्मा भी जिस तरह से मंदिर जाने के बाद अपने निष्ठा ईमानदारी से भगवान को साक्षी मानकर पूजा करते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद सच्चे ईमानदारी से इस क्षेत्र के लोगों का सेवा करने का मैं काम किया हूँ। भूली मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भी भाग लिया। धनबाद विधायक ने अपने संबोधन में मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। धनबाद विधायक ने भाजपा को 400 सीट देने में सहयोग करने की बात कही। जब तक मैं विधायक हूँ आप निश्चिंत रहिए, जब तक राज सिन्हा है आपको भूली को खाली कराने के का हिम्मत नहीं करेगा। और लगातार आप सबके सहयोग से, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, सारे समस्याओं का हम लोगों ने बहुत हद तक कोशिश किया है कि हम निराकरण करें और उसमें आप कार्यकर्ता साथियों का भी बहुत जबरदस्त योगदान रहा। मुझे याद है जब भूली में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया और हमारे पास हमारे साथी आए अपने से, अपने दम पर, अपने खर्चे से हमारे साथी, हम लोगों ने जब हमारी सरकार की रघुबर दास की तो हमने अपने गाड़ी के साथ अपने साथियों को भेजा हजारीबाग से, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ट्रांसफार्मर बना करके यहां लगाया भी है, 500 एमवी का वो ट्रांसफार्मर चला। या फिर जब रघुवर दास जी सरकार थी तो कैसे हम लोगों ने रघुवर दास जी से बात करके और भूली के अंदर झारखंड सरकार के बिजली को पहुंचाने का काम किया। हालांकि उस समय बहुत से लोगों ने उस पर रोटी सेकना शुरू किया, ये बिजली जो है वो केवल कुछ लोगों के लिए है और उसको, और जैसे ही यह सरकार, ये देखिए मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि आपको ये समझने की आवश्यकता है, जैसे ही हमारी रघुवर दास की सरकार गई जो बिजली के काम हो रहे थे उसको इस सरकार ने रोक दिया। सरकार ने जो लोग जिनको बिजली मिली बाकी लोगों को मिलना बंद हो गया। और उस समय ही रघुवर दास की सरकार में भी मुझे याद है जब मैं गया था उनसे बात करने, उनसे जब मैंने बताया उन्होंने तत्कालीन ऊर्जा सचिव को कहा कि आप उस पर काम कीजिए। मेरे सामने ऊर्जा सचिव ने उनसे कहा कि सर इसमें हम लोग को यहां बिना मेहनत के एक पुष्ट बिजली के से 1.5 करोड़ रुपया आता है, हम लोग को अपने संसाधन लगाने होंगे, सब कुछ करने होंगे,
फिर भी वह हम लोग को उतना पैसा नहीं मिला। भगवत दास जी ने कहा कि सरकार का काम केवल रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, केवल रेवेन्यू कलेक्शन करना नहीं है, हमारा काम लोक कल्याण का भी है, जनता की सुविधा को भी देखना सरकार का काम है। और इस तरह से लगातार आप देखिए, याद कीजिए ए ब्लॉक के पुल को, कैसे वो पुल किस प्रकार से बिल्कुल गड्ढा सा था, कमजोर था, अक्सर वहां दुर्घटनाएं होती थी, मौतें होती थी, और उस पुल पर भी बहुत लोग राजनीति करते थे, कितने लोग वहां चेक दे देते थे, बाद में वो चेक बाउंस करता था, यदि थे काम में। लेकिन जब मैंने वादा किया कि वो रोड वो पुल बनेगा तो बहुत लोग को मजाक लगा, बहुत लोग आकर के उसको कि यह नाटक है तो नहीं होगा, तो टेम्पो स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैंने जो वादा किया था वो पुल बनवाऊंगा तो वो पुल बना। या जब रोड बनने लगा, बहुत से दुकानदार साथी मेरे पास आए, हमारा दुकान उजड़ जाएगा, उसमें भी लोगों ने राजनीति किया, लेकिन मैं लोगों से वादा किया था कि आप निश्चिंत रहिए, रोड भी बनेगा, आपका दुकान भी रहेगा। और आज चाहे वो मुख्य सड़क हो झारखंड मोड़ से लेकर के, और यही नहीं, आपको आने जाने में दिक्कत होती थी, बहुत संघर्ष के बाद बांसे पुल में जो मुख्य पुल है, जो 500 वर्ष पुराना, 500 साल से ऊपर पुरानी पुल की जो जर्जर था, उस पुल को भी हमने जो हमारे रघुवर दास की सरकार ने पास कराया था, काम नहीं हुआ यह सरकार पर भी, फिर भी इस सरकार में भी हमने उसको लड़ करके उसका एस्टिमेट रिवाइज करके बढ़ा करके, और आज आपके बीच में वो पुल तैयार है और आपको आने जाने का सुगम साधन भी तैयार हो गया। इसके अलावा पूरा रोड चाहे वो डी ब्लॉक का हो, आज एक भी कोई प्रमुख सड़क ऐसा नहीं बचा जो आपके आपके भाई ने आपकी सुविधा आप सुविधा के लिए नहीं करवाया। तो इस प्रकार से लगातार मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग काम कर रहे हैं, और यह तभी संभव हुआ जब हमारी इस राज्य के अंदर भी सरकार। वही भूली मंडल के अध्यक्ष सुमन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार भाजपा 400 पार करेगी और जो अधूरे कार्य रह गए हैं सारे कार्य को भाजपा इस बार पूरा करेगी। एक एक भाजपा का कार्यकर्ता ढुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा सीट से जिताने का संकल्प ले चुका है और संकल्प पूरा करेगा। पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अभी चुनावी मोड में है, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी का चयन हो गया है, प्रत्याशियों का हर जगह पे हर क्षेत्र में दौरा हो रहा था, उसी ने भी संगठनात्मक दृष्टिकोण से भारतीय जनता भूली मंडल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे बूथ के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारी पार्टी का रीढ़ होता है, वो ताकत होता है, उन ताकत को आज हम लोग लाए अपने प्रत्याशियों के बीच में, हमारे प्रत्याशी आपसे रूबरू होंगे और प्रत्याशी भी अपनी बात को रखेंगे और आप भी अपनी बातों को रखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ जीते तो हम लोग चुनाव जीते, तो इसलिए यह अहम बैठक थी और इसी बैठक के तहत हम लोग विभिन्न काम को करेंगे और इन कामों को करते हुए मिशन 2024 का जो लक्ष्य 400 पार है उसको हम लोग पार करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता ही हम लोग का रीढ़ है, कार्यकर्ता यानी बूथ के कार्यकर्ता, हम सभी बूथ में जाते हैं, उनकी जन समस्याओं को सुनते हैं, नेताओं के द्वारा उसका समाधान करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर बूथ के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे सबसे सर्वशक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। इसीलिए आज हमारे भूली मंडल में 45 बूथ अध्यक्ष थे, उन सारे लोगों का परेड हुआ, उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई और उनसे काम करने के लिए ऊर्जा दिए हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने भी, हमारे माननीय विधायक राज सिन्हा जी ने और प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी ने, और सभी को लग जाने के लिए कहा, क्योंकि पार्टी 24 घंटा काम करती है, कार्यकर्ता लग जाना है, आप अपनी समस्या को बताइए, नेता उसका समाधान के लिए बैठा हुआ है। और मोदी जी के द्वारा जो काम किया गया जनमानस के लिए, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि नेता एक जनसभा करेंगे वहां से घर ये घर में गली के कस्बे मोहल्ले में बात नहीं जा सकती, क्योंकि हर लोग सोशल मीडिया से जुड़े नहीं रहते हैं, एक बूथ अध्यक्ष ऐसा है, बूथ के स्तर के कार्यकर्ता एक ऐसा है जो उन तक अपनी बातों को रखते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बूथ कमेटी के जितने भी अध्यक्ष आए, जितने भी पदाधिकारी आए, शक्ति केंद्र के प्रभारी आए, जो भी नेतागण आए, भाजपा भूली मंडल की ओर से आप सबके माध्यम से हृदय से बधाई और शुभकामना देते हैं और विश्वास दिलाते हैं इन अध्यक्षों के दम पर, इन कार्यकर्ताओं के दम पर मिशन 2024 का लक्ष्य वो पूरा। कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है अनुपमा सिंह को, सर ये प्रत्याशी को क्या, सर ये एक आदर्श हम लोग की बन गई है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रत्याशी आएंगे जाएंगे, हम दूसरे के घर को कभी नहीं जाते, हम इतने सबल होते हैं
कि हम अपने लक्ष्य को देखते हैं, लक्ष्य को भेजने का काम करते हैं। अनुपमा सिंह आ गए, उनका स्वागत है चुनावी प्रक्रिया में। क्या लग रहा है इस बार लक्ष्य भेज पाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनेगा। इसके पहले भी कीर्ति आझा जी, जिनके डीएनए में भारतीय जनता पार्टी का नस-नस में था, लेकिन वो जब कांग्रेस से आए उनकी शक्ति छीन हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है, उनके प्रत्याशी में नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। धन्यवाद, मोदी के गारंटी काम करेगी? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है। दूसरी बात बता दे रहे, मोदी जी कहते हैं कि मेरा 140 करोड़ परिवार है। उन परिवार के लोगों में जरूर कहीं ना कहीं वो एक व्यक्ति है जो मोदी जी का अनुयायी है, वो उनको बताएंगे ना। मोदी जी तो एक समझिए हम लोग का आइकॉन है, इसलिए मोदी जी का जो काम है वो जमीन पे दिखता है। आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र भूली बस्ती में चल जाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए तो देखने को मिलेगा, आयुष्मान कार्ड का देख लीजिए, राशन की व्यवस्था को देख लीजिए, और हमारे एजेंडा में जो आया है उसको भी देख लीजिए। ये लक्ष्य को भेज कर सकते हैं? लक्ष्य भेजना, हम लोग एक लक्ष्य पे चले, मिशन 400 पार, उस भेद उसको पार कर दिए हैं। और अनुपमा सिंह जी आए, उनका स्वागत है, लोकतंत्र में लड़े, वो अपनी ताकत दिखा, उनके पास भी कार्यकर्ता है, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पे आपको विश्वास दिलाते हैं, लोकसभा का परचम हम लोग लहराएंगे और धनबाद लोकसभा भारी मतों से जीताएंगे। अपना परचम, मैं सुमेर कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत सफल कार्यक्रम हमारे और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा जो भी दायित्व पार्टी के द्वारा दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, अपने हर काम को निभाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुद्ध रूप से राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है राष्ट्र के निर्माण में लगे सभी कार्यकर्ताओं को प्रभु श्री राम भी आशीर्वाद देते हैं, जगत जननी माँ दुर्गा आशीर्वाद देती है, और जिनका शक्ति माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हो, उस पार्टी को और उस कार्यकर्ता को समाज के सेवा करने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि एनडी गठबंधन बनने के बाद किस तरह मोदी जी के विरोध में, जबकि मोदी जी 10 वर्षों के दरमियान जो भारतवर्ष में उन्होंने उनके नेतृत्व में जो विकास हुआ है, भारत आगे बढ़ा है, हमें लगता है 70 वर्षों के दरमियान कभी भी इस तरह का दृश्य हम लोगों को देखने को नहीं मिला था। और हम दावे के साथ कह सकते हैं जितने एनडी गठबंधन है, मैक्सिमम पार्टी परिवार बात के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं, पुत्र के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं, निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए 140 करोड़ जनता की सेवा करने की भावना से अनुपमा सिंह का नाम आ गया है, क्या कहेंगे? उनका मैटर है, उसमें हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, बस हम अपना काम करेंगे, पार्टी का जिम्मेवारी उस काम को निभा। क्या लगता है इस बार मोदी का गारंटी धनबाद में सफल होगा? इस बार 400 पार और धनबाद लोकसभा में 10 लाख पार वोट होगा। अध्यक्ष और सारे प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित है और अगले 25 मई को चुनाव होने वाला है, उसमें एक एक कार्यकर्ताओं की भूमिका होगी। हर कार्यकर्ता को अपने बूथ को सुदृढ़ करना होगा और हर बूथ पर हमारा टारगेट है कि कम से कम 370 वोट बढ़े, और इसलिए अधिक से अधिक भारतीय के साथ और जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं का और जनता का रुझान है, रिकॉर्ड मत से भारतीय जनता पार्टी इस पर चुनाव जीतने जा रही है। भूली के लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? आप भूली में आज सभा कर रहे हैं, भूली के लोगों को सबको भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के कार्यों को देखना है और मोदी जी को फिर से जाना है इस बार चुनाव में, और भूली की जनता बिल्कुल तैयार है। थैंक यू। भूली मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में जिलाध्यक्ष सरवन राय, सरोज सिंह, मानस प्रसून, मनोज मालाकार, भूली मंडल के अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह, ललन मिश्रा, मनोज गुप्ता, रंजीत उर्फ बिल्लू, कैलाश गुप्ता, पवन दास, त्रिवेणी यादव सहित सभी बूथ अध्यक्ष और भूली मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको।